वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन कर करें, सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं। वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। हम आपका कल की अर्जी रह गई थी, आप बागेश्वर धाम पर आए हैं, हम बालाजी के चरणों में फ्री गोबर हो चकनाचूर। राम राम कहते रहो का प्यार, आचार सिद्धेश्वर पाद का प्यो, नमस्तु सीतापति पाद का प्यार। और वो भी है, बहुत है, अब हम बताएंगे नहीं, आप खुद जो है देख लियो। बाबा बाबा बागेश्वर धाम, जी हाँ आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार एकांतवास से आए हैं। चलिए बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स से एक्स का निशान बना दें, सभी विपदाएँ कट जाएंगी। बाबा बागेश्वर धाम प्रसिद्ध क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सुर्खियों में चर्चाएँ क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम वायरल क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु क्यों जाते हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों भक्तों की इच्छाएं पूरी कैसे हो जाती हैं? बाबा बागेश्वर धाम जी हाँ पर्चा कैसे बना देते हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आज जानेंगे सच। जी हाँ बाबा बागेश्वर धाम सरकार का 4 तारीख को मनाया जाएगा धूमधाम से जन्मदिन। बाबा बागेश्वर धाम सरकार लगाएंगे दिव्य दरबार, फिर वो वचन भी देंगे, भजन संध्या भी है। मित्रों बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आप जानकर हैरानी हो जाएंगे, इनका नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज है, उर्फ बागेश्वर धाम। वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन कर करें, सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं। वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। आपका कल की अर्जी रह गई थी, आप पागल बागेश्वर धाम पर आए हैं, हम बालाजी के चरणों में फ्री गोबर हो चकनाचूर। राम राम कहते रहो का प्यार, आचार सिद्धेश्वर पाद का प्यो, नमस्तु सीतापति पाद का प्यार। और वो भी है, बहुत है, अब हम बताएंगे नहीं, आप खुद जो है देख लीजिए। आचार्य चकित रह जाने की बात है कि बाबा बागेश्वर धाम बिना जाने किसी की भी बात जान जाते हैं और पर्चा बना देते हैं। सज्जनों कितनी सच है ये बात, कितनी झूठी है? अगर ये बात झूठी होती तो आज तक कितने सालों से दिव्य दरबार चलता आ रहा है, बागेश्वर धाम का कोई भी झूठ होता तो पकड़ लेता। बागेश्वर धाम में झूठ नहीं बल्कि सत्यता और सनातन धर्म से जोड़ा जाता है और गरीब सहाओं की और गरीब कन्याओं की शादी की जाती है। कैंसर हॉस्पिटल का बहुत जल्दी निर्माण का घोषणा कर दी है, बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सज्जनों आने वाली तारीख शिवरात्रि को बागेश्वर धाम पर 251 कन्याओं की शादी होगी। जी हाँ जिन्होंने अपनी शादी के बारे में नहीं सोचते वो गरीब लड़कियों की शादी के बारे में सोचते हैं। बागेश्वर धाम पर जो पर्चा बनाते हैं उसका सच आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम में जो पर्चा बनाते हैं वो बागेश्वर बालाजी हनुमान जी जो हैं विराजमान हैं, या दादा गुरु जी हैं, या सन्यासी बाबा हैं, उनकी दिव्य शक्ति इनको आकृतियाँ बताती हैं और ऑटोमेटिक कलम चलने लगता है। और जो कलम चल जाता है, जो सामने वाला होता है, जो लिखा हुआ होता है, वो ही बोला जाता है। सज्जनों जो बागेश्वर धाम के पर्चे पर होता है, बागेश्वर धाम कहते हैं ये पूछना है, बोले हाँ, तो ऐसा ही चमत्कार के कारण बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु जुड़ते जा रहे हैं। सज्जनों आप समझ गए होंगे इस वीडियो से क्या है सच बागेश्वर धाम सरकार का। एक गरीब फैमिली से लेकर आज हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों में घूमते हैं, बड़े बड़े VIP लोग इनके मस्तक होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े फिल्मी स्टार
इनके चरणों में झुक जाते हैं। मित्रों, आज का सच आपको जानकर अच्छा लगा होगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन करके हैं सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं। और वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। हम आपका कल की अर्जी रह गई थी, आप पागल बागेश्वर धाम पर आए हैं। हम बालाजी के चरणों में प्री गोबर हो चकनाचूर। राम राम कहते रहो राम का प्यार, आचार सिद्धेश्वर पाद का प्यो नमस्त सीतापति पाद का प्यार। और गोभी है बहुत है, अब हम बताएंगे नहीं, आप खुद जो है देख लगे। बाबा बाबा बागेश्वर धाम, जी हाँ आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार एकांतवास से आए हैं। चलिए बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स से एक्स का निशान बना दें, सभी विपदाएँ कट जाएंगी। बाबा बागेश्वर धाम प्रसिद्ध क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सुर्खियों में चर्चाएँ क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम वायरल क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु क्यों जाते हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों भक्तों की इच्छाएं पूरी कैसे हो जाती हैं? बाबा बागेश्वर धाम जी हाँ पर्चा कैसे बना देते हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आज जानेंगे सच। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का 4 तारीख को मनाया जाएगा धूमधाम से जन्मदिन। बाबा बागेश्वर धाम सरकार लगाएंगे दिव्य दरबार, फिर वो वचन भी देंगे, भजन संध्या भी है। मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आप जानकर हैरानी हो जाएंगे। इनका नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज है, उर्फ बागेश्वर धाम। वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन करके हैं सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं। वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। आपका कल की अर्जी रह गई थी, आप पागल बागेश्वर धाम पर आए हैं। हम बालाजी के चरणों में प्री गोबर हो चकनाचूर। राम राम कहते रहो राम का प्यार, आचार सिद्धेश्वर पाद का प्यो नमस्त सीतापति पाद का प्यार। और गोभी है बहुत है, अब हम बताएंगे नहीं, आप खुद जो है देख लियो। बाबा बाबा बागेश्वर धाम, जी हाँ आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार एकांतवास से आए हैं। चलिए बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स से एक्स का निशान बना दें, सभी विपदाएँ कट जाएंगी। बाबा बागेश्वर धाम प्रसिद्ध क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सुर्खियों में चर्चाएँ क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम वायरल क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु क्यों जाते हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों भक्तों की इच्छाएं पूरी कैसे हो जाती हैं? बाबा बागेश्वर धाम जी हाँ पर्चा कैसे बना देते हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आज जानेंगे सच। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का 4 तारीख को मनाया जाएगा धूमधाम से जन्मदिन। बाबा बागेश्वर धाम सरकार लगाएंगे दिव्य दरबार, फिर वो वचन भी देंगे, भजन संध्या भी है। मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आप जानकर हैरानी हो जाएंगे। इनका नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज है, उर्फ बागेश्वर धाम। वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन करके हैं सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं। वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। हाँ बहन,
आपका कल की अर्जी रह गई थी आपकी आप बागेश्वर धाम पर आए हैं हम बालाजी के चरणों में राम राम कहते रहो उनका प्यार आचार्य सिद्धेश्वर पाद का भ्यो नमस्तु सीतापति पाद का प्यार और वो भी है बहुत है अब हम बताएंगे नहीं आप खुद जो है देख लगे आचार्य चकित रह जाने की बात है कि बाबा बागेश्वर धाम बिना जाने किसी की भी बात जान जाते हैं और पर्चा बना देते हैं। सज्जनों कितनी सच है ये बात कितनी झूठी है। अगर ये बात झूठी होती तो आज तक कितने सालों से दिव्य दरबार चलते आ रहा है बागेश्वर धाम का कोई भी झूठ होता तो पकड़ लेता। बागेश्वर धाम में झूठ नहीं बल्कि सत्यता और सनातन धर्म से जोड़ा जाता है और गरीब सहाओ की और गरीब कन्याओं की शादी की जाती है। कैंसर हॉस्पिटल का बहुत जल्दी निर्माण का घोषणा कर दी है बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सज्जनों आने वाली तारीख शिवरात्रि को बागेश्वर धाम पर 251 कन्याओं की शादी होगी। जी हाँ जिन्होंने अपनी शादी के बारे में नहीं सोचते वो गरीब लड़कियों की शादी के बारे में सोचते हैं। बागेश्वर धाम पर जो पर्चा बनाते हैं उसका सच आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम में जो पर्चा बनाते हैं वो बागेश्वर बालाजी हनुमान जी जो हैं विराजमान हैं या दादा गुरु जी हैं या सन्यासी बाबा हैं उनकी दिव्य शक्ति इनको आकृतियाँ बताती हैं और ऑटोमेटिक कलम चलने लगता है और जो कलम चल जाता है जो सामने वाला होता है जो लिखा हुआ होता है वो ही बोला जाता है। सज्जनों जो बागेश्वर धाम के पर्चे पर होता है बागेश्वर धाम कहते हैं ये पूछना आए थे बोले हाँ तो ऐसा ही चमत्कार के कारण बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु जुड़ते जा रहे हैं। सज्जनों आप समझ गए होंगे इस वीडियो से क्या है सच बागेश्वर धाम सरकार का। एक गरीब फैमिली से लड़कियाँ आज हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों में घूमते हैं बड़े बड़े VIP लोग इनके मस्तक होते हैं बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े फिल्मी स्टार इनके चरणों में झुक जाते हैं। मित्रों आज का सच आपको जानकर अच्छा लगा होगा। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार की। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन कर करें सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिख दें। वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। एक आपका कल की अर्जी रह गई थी आप बागेश्वर धाम पर आए हैं हम बालाजी के चरणों में प्री गोबर हो चकनाचूर राम राम कहते रहो उनका प्यार आचार्य सिद्धेश्वर पाद का भ्यो नमस्तु सीतापति पाद का प्यार और वो भी है बहुत है अब हम बताएंगे नहीं आप खुद जो है देख लगे बाबा बाबा बागेश्वर धाम। जी हाँ आप देख रहे हैं अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार एकांतवास से आए हैं। चलिए बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स से एक्स का निशान बना दें सभी विधाएँ कट जाएंगी। बाबा बागेश्वर धाम प्रसिद्ध क्यों हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सुर्खियों में चर्चाएँ क्यों हैं बाबा बागेश्वर धाम वायरल क्यों हैं बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु क्यों जाते हैं बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों भक्तों की इच्छाएं पूरी कैसे हो जाती हैं बाबा बागेश्वर धाम जी हाँ पर्चा कैसे बना देते हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आज जानेंगे सच। जी हाँ बाबा बागेश्वर धाम सरकार का 4 तारीख को मनाया जाएगा धूमधाम से जन्मदिन। बाबा बागेश्वर धाम सरकार लगाएंगे दिव्य दरबार फिर वो वचन भी देंगे भजन संध्या भी है। मित्रों बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आप जानकर हैरानी हो जाएंगे। इनका नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज है उर्फ बागेश्वर धाम।
वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन करके सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं। वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। आपका कल की अर्जी रह गई थी आपकी धाम पर आए हैं हम बालाजी के चरणों में फ्री गोबर चकना चूर राम राम कहते रहो का प्यार आचार्य सिद्धेश्वर पाद का प्यो नमस्तु सीतापति पाद का प्यार और वो भी है बहुत है अब हम बताएंगे नहीं आप खुद जो है देख लियो। बाबा बाबा बागेश्वर धाम जी हाँ आप देख रहे हैं अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार एकांतवास से आए हैं। चलिए बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स से एक्स का निशान बना दें सभी विपदाएँ कट जाएंगी। बाबा बागेश्वर धाम प्रसिद्ध क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सुर्खियों में चर्चाएँ क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम वायरल क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु क्यों जाते हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों भक्तों की इच्छाएं पूरी कैसे हो जाती हैं? बाबा बागेश्वर धाम जी हाँ पर्चा कैसे बना देते हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आज जानेंगे सच। जी हाँ बाबा बागेश्वर धाम सरकार का 4 तारीख को मनाया जाएगा धूमधाम से जन्मदिन। बाबा बागेश्वर धाम सरकार लगाएंगे दिव्य दरबार, फिर वो वचन भी देंगे, भजन संध्या भी है। मित्रों बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आप जानकर हैरानी हो जाएंगे। इनका नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज है उर्फ बागेश्वर धाम। वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन करके सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं। वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। आपका कल की अर्जी रह गई थी आपकी पागल बादल से धाम पर आए हैं हम बालाजी के चरणों में फ्री गोबर चकना चूर राम राम कहते रहो का प्यार आचार्य सिद्धेश्वर पाद का प्यो नमस्तु सीतापति पाद का प्यार और वो भी है बहुत है अब हम बताएंगे नहीं आप खुद जो है देख लीजिए। आचार्य चकित रह जाने की बात है कि बाबा बागेश्वर धाम बिना जाने किसी की भी बात जान जाते हैं और पर्चा बना देते हैं। सज्जनों कितनी सच है ये बात कितनी झूठी है? अगर ये बात झूठी होती तो आज तक कितने सालों से दिव्य दरबार चलता आ रहा है बागेश्वर धाम का कोई भी झूठ होता तो पकड़ लेता। बागेश्वर धाम में झूठ नहीं बल्कि सत्यता और सनातन धर्म से जोड़ा जाता है और गरीब सहाओं की और गरीब कन्याओं की शादी की जाती है। कैंसर हॉस्पिटल का बहुत जल्दी निर्माण का घोषणा कर दी है, बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सज्जनों आने वाली तारीख शिवरात्रि को बागेश्वर धाम पर 251 कन्याओं की शादी होगी। जी हाँ जिन्होंने अपनी शादी के बारे में नहीं सोचते वो गरीब लड़कियों की शादी के बारे में सोचते हैं। बागेश्वर धाम पर जो पर्चा बनाते हैं उसका सच आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम में जो पर्चा बनाते हैं वो बागेश्वर बालाजी हनुमान जी जो हैं विराजमान हैं या दादा गुरु जी हैं या सन्यासी बाबा हैं उनकी दिव्य शक्ति इनको आकृतियाँ बताती हैं और ऑटोमेटिक कलम चलने लगता है और जो कलम चल जाता है जो सामने वाला होता है जो लिखा हुआ होता है वो ही बोला जाता है। सज्जनों जो बागेश्वर धाम के पर्चे पर होता है बागेश्वर धाम कहते हैं ये पूछना आए थे बोले हाँ, तो ऐसा ही चमत्कार के कारण बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु जुड़ते जा रहे हैं। सज्जनों आप समझ गए होंगे इस वीडियो से क्या है सच बागेश्वर धाम सरकार का। एक गरीब फैमिली से लेकरियाँ आज हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, बड़े बड़े VIP लोग इनके मस्तक होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े फिल्मी स्टार
इनके चरणों में झुक जाते हैं। मित्रों, आज का सच आपको जानकर अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के दर्शन करके हैं सभी इच्छाएं बालाजी के आगे रख दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं। और वैसे ही आप ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो। एक आपका कल की अर्जी रह गई थी आपकी बागेश्वर धाम पर आए हैं हम बालाजी के चरणों में। प्री गोबर हो चकना चूर, राम राम कहते रहो उनका प्यार, आचार्य सिद्धेश्वर पाद का प्यो नमस्तु सीतापति पाद का प्यार। और वो भी है, बहुत है, अब हम बताएंगे नहीं, आप खुद जो है देख लगे। बाबा बाबा बागेश्वर धाम, जी हाँ, आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार एकांतवास से आए हैं। चलिए बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स से एक्स का निशान बना दें, सभी विपदाएँ कट जाएंगी। बाबा बागेश्वर धाम प्रसिद्ध क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सुर्खियों में चर्चाएँ क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम वायरल क्यों हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों लोग श्रद्धालु क्यों जाते हैं? बाबा बागेश्वर धाम पर लाखों भक्तों की इच्छाएं पूरी कैसे हो जाती हैं? बाबा बागेश्वर धाम जी हाँ पर्चा कैसे बना देते हैं? बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आज जानेंगे सच। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का 4 तारीख को मनाया जाएगा धूमधाम से जन्मदिन। बाबा बागेश्वर धाम सरकार लगाएंगे दिव्य दरबार, फिर वो वचन भी देंगे, भजन संध्या भी है। मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आप जानकर हैरानी हो जाएंगे। इनका नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज है, उर्फ बागेश्वर धाम।